हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं एक नई रेसिपी लाई हूँ। तो देखिए जो चावल होते हैं तो उसके खुद्दी जो निकल जाता है, तो इस खुद्दी को आप फेंक कर ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। तो मैंने इसको देखिए सुबह में ना सुबह नहीं शाम को ही मैंने इसको 1 घंटे पानी में रखे थे। तो अभी देखिए मेरा एकदम फूल करके देखिए एकदम हाथ से मसाला आ जा रहा है देखिए। तो अब मैं इसको मशीन में पीस लूँगी सारे को। और यहाँ देखिए मैंने दाल पहले ही डाल दिया है तड़का बनाने के लिए, तो जब तक मैं पीसूंगी तब तक मेरा दाल भी फूल जाएगा। और यहाँ देखिए दाल की सामग्री यहाँ पर तैयार है। और मैं इसको ना जार में ले लूँगी, थोड़ा करके जार में ले करके और पीसना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ मैंने पीस लिया है चावल को, देखिए एकदम में ही हो गया, एकदम मैदे की तरह हो गया है। तो मैं सारे चावल को इसी तरह पीस लूँगी। देखिए यहाँ एकदम मेरा पीसा गया है। अब मैं इसको छन्नी से छान लूँगी कि जो भी मोटे मोटे चावल होंगे या रह गए होंगे खुद्दी, तो वो इसमें निकल जाएगा, छन आ जाएगा सारा। और मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए इसको मैं बाद में फिर पीस लूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं पीसेंगे, क्योंकि मेरी छन्नी जो है ना वो बहुत एकदम छोटा छोटा छेद है, तो जरा सा भी उसमें नहीं गिरता है। तो देखिए जो मैंने खुद्दी निकाली थी इसमें चावल का छाने थे, तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब इसको फिर मैं छान लूँगी, अब तो निकलने की कोई गुंजाइश नहीं इसमें। और यहाँ ये गर्मी में गर्मी दिनों के लिए बहुत हेल्दी खाना है, एकदम सादा खाना है। और ये बहुत चाव से आदमी खाते भी हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको इसमें भी क्या क्या डाला जाएगा। थोड़ा सा जवाइन मंगरे डाल देंगे, हल्का नमक, क्योंकि दाल में भी हम नमक डालेंगे तो दाल के साथ ही खाना है। अब मैं जितने सारे आटे हैं मैं इनको इसमें, तो देखिए मैंने इसमें चावल का आटा जितना था वो डाल दिए हैं। मेरा आटे का रंग देखिए कैसा बदल रहा है, पक जाएगा इसमें आटा, तो ही आप रोटी इसका बना पाएंगे। तो ऐसे अगर आग पर आप नहीं इसको बनाइएगा ना, गर्म पानी में इसको सानना जरूरी है, मिलाना, तभी आपकी रोटियां भी अच्छी होंगी। तो देखिए मेरा आटा एकदम सीख गया, चावल का आटा देखिए इतना पतला था, घुला है, आग भी देखिए कैसा हो गया। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और पंखे के हवा में इसको मैं ठंडा होने के लिए रखने जा रही हूँ। तब तक मैं अपनी दाल की भी इधर तैयारी कर लूँगी। अभी इसको आधा घंटा हम ले जा रहे हैं, पंखे के नीचे रखेंगे इसको। तो देखिए मैंने दाल जो रखी थी वो देखिए देखिए फूल गया है। थोड़ा लाइट की वजह से अंधेरा थोड़ा जा रहा है इसमें। और ये जो मैंने 2-4 लहसुन के पोटे ले लिए हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ कलियाँ भी छोड़ा के मैं इसमें डालूँगी। हल्दी अभी नहीं डालूंगी मैं, हल्दी बाद में डालूंगी, नमक थोड़ा सा डाल दूंगी अभी, थोड़ा सा क्या पूरा डाल ही देते हैं अभी। हो गया, अब ये हो गया, 2 तेज़पत्ता है, मैं इनको गैस पर बिठा दूंगी। पानी मैं इसमें यूज करूंगी, थोड़ा सा ही यूज करना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो आप जो तड़का बनाएंगे ना दाल जो फ्राई कीजिएगा तो उसको एकदम पतला हो जाएगा, तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आता है। और सॉरी पता नहीं क्यों लाइट की वजह से अंधेरा हो रहा है कि क्या पता ही नहीं चल रहा है, देखिए क्या होता है। तो ये मेरी मम्मी का ट्रिक था, मम्मी हम लोग को बचपन में बना बना कर खिलाया करती थी। अभी भी हम लोग जाते हैं तो मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी हमको चावल का वाला रोटी खिलाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो खिलाती हैं, मेरी माँ हमको खिलाती हैं।
तो चलिए देखते हैं मैं चावल के आटा के क्या हाल है। अभी भी ये बहुत गर्म है तो मैं इसको निकाल दूंगी पूरी तरह। अगर पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ ना तो फिर मसलने में दिक्कत हो जाती है। गर्म से मसला आएगा नहीं तो मेथी बोलते हैं ना गिल्टी 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 जैसा, तो वैसा हो जाएगा। इसलिए इसको ठंडा करेंगे फिर जैसे आटा साना जाता है उस तरह मैं आटा सानूंगी इसको। तो देखिए दोस्तों मैंने चावल का जो आटा था उस वक्त कैसा था, अभी देखिए हमने इसको सान करके देखिए एकदम चिकना आटा बना दिए हैं। तब तक मैं देखिए अब मेरी कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो रही है, मैं इसमें तेल डालूंगी। मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ और कोई तेल नहीं मैं यूज करती हूँ। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। और एक तेज पत्ता मैंने लिया है, और एक तरफ देखिए मैं अपना तवा भी गर्म कर रही हूँ रोटी बनाने के लिए। यहाँ प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च दो चार काटे थे, तो जब तक ये मेरा प्याज गोल्डन कलर का नहीं हुआ तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। मैं टमाटर इसमें डाल दूंगी, टमाटर है हल्का, हल्दी पाउडर हो गया, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक तो हम डाल चुके हैं इसलिए नमक नहीं डालना है आपको। देखो मैं मीडियम आंच पर ही गलाऊंगी इसको। तो देखिए मेरा ये दाल यहाँ पर तैयार हो जाता है, तो देखिए मैं दाल अब इसमें डाल चुकी हूँ और जो तेज पत्ते थे वो निकाल चुकी हूँ। अभी मैं 2 मिनट इसको और भून लूती हूँ। तो देखिए मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, देखिए मैंने रोटी भी बेल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बॉल है, आप इसको अपने अनुसार बनाना है, थोड़ा सा तेल लगा करके इस पर आराम से हो जाता है ये। अब मैं इसमें हल्का तेल डाल दूंगी। हाँ बहुत ज़्यादा तेल गिर गया दोस्तों, इतना तेल सेहत के लिए हानिकारक है। अब इसको हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा जोर जैसे हम लोग गेहूँ का आटा का जैसे बेलते हैं उस तरह नहीं बेलना है। और आप ऐसे हाथ से भी थाप के बना सकते हैं, देखिए ऐसे। और देखिए कहीं भी मेरा चावल का रोटी फटा नहीं है, आप लोग जैसे जो ठीक हम बताए हैं उसी तरह आप लोग बनाइए। तो अब मेरे हस्बैंड को थोड़ा भूख लग गया है तो मैं उनके लिए जल्दी जल्दी बना देती हूँ। तो देखिए हमारा दाल तैयार है एकदम, और इतना गाढ़ा ही रखना है क्योंकि हम लोग को रोटी पर खाना है तो गाढ़ा ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और इसको उबलने देती हूँ मैं। और रोटी जो है ना मैं उसमें घी नहीं लगाऊंगी, तेल नहीं लगाऊंगी। तो देखिए मेरा दाल कितना कलरफुल है और सेहत। अब मैं इसमें थोड़ा सा मेथी पत्ता डाल दूंगी।
अब गैस बंद कर दूंगी मैं।